नमस्कार, मैं चंदन कुमार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि CL के साथ रेस्ट और NH कैसे लें, CR कैसे लें। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि क्या हम लोग CL और LAP एक साथ भी ले सकते हैं, LAP के साथ CR ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो सारा डाउट आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, और PL को लेकर भी कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था पिछले वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले गूगल में HRMS टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद जो है ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद यहाँ पर HRMS ID और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। तो आइए हम भी लॉगिन करने के बाद आपको दिखाते हैं। फाइनली जो है हम अपने HRMS ID में लॉगिन हो चुके हैं, और यहाँ पर आपको बाएं साइड में एक तीर का निशान दिख रहा होगा, सबसे पहले उस पर क्लिक करना है। तो हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर चौथे नंबर पर जो है यहाँ पर आपको लीव मैनेजमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो लीव मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। हमने क्लिक कर दिया, और देखिए सबसे ऊपर में ही आपको एक मिल जाएगा न्यू लीव एप्लीकेशन, ठीक है। तो न्यू लीव एप्लीकेशन, इन सब ऑप्शंस के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो आप भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को भी दबा दें ताकि पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम रेलवे संबंधित वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मदद करें उनकी, ताकि उन्हें भी सबका जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम जो है इस पर क्लिक कर लेंगे न्यू लीव एप्लीकेशन पर। देखिए इस प्रकार का आपको आपके पास भी इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम बताएंगे कि CL के साथ NH और रेस्ट कैसे लें, ठीक है। उसके बाद CR भी बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने CL सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो CL सेलेक्ट कर लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर जो है डेट आ गए कि कब से कब तक, ठीक है। तो फ्रॉम जो है यहाँ पर देखिए, अगर आपको NH कब है, 15 तारीख को है, 15 अगस्त आप सभी जानते हैं। और अगर आपका रेस्ट जो है यूनिट रेस्ट संडे को है, तो मान लीजिए कि हमने 12 तारीख से लीव स्टार्ट किया, ठीक है। तो हमने 12 को फर्स्ट लीव ले लिया, ठीक है, और 12 से 12 ही हमने एक दिन का लीव ले लिया, ठीक है। एक दिन का लीव हो गया, 12 को हमने एक दिन का लीव ले लिया। उसके बाद देखिए करेंट लीव बैलेंस यहाँ पर दिखा रहा होगा, किसी किसी में दिखा रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको पता हो कि आपके पास कितने बैलेंस हैं, अगर नहीं दिखा रहा तो यहाँ पर डाल भी सकते हैं, जैसे हमने 8 डाल दिया, ठीक है। देखिए एक दिन का लीव हमारा हो गया, कब, 12 तारीख को। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है आपको, ऐड अनदर लीव, तो यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे फिर सेकेंड लिफ्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए 12 को हमने ले लिया, फिर CL ही लेंगे, तो 12 को CL, फिर 13 को क्या है भाई, संडे है यानी हमारा रेस्ट है, तो 13 छोड़ देंगे। मंडे यानी 14 तारीख को हमने ले लिया, फिर से एक CL, 14 को यहाँ से ऐड कर लेंगे, 14 को ले लिए एक CL, फिर से, समझ रहे हैं आप ना, यहाँ पर 8 लीव करेंट लीव बैलेंस है तो 8 लिख देंगे। फिर अनदर लीव ऐड करेंगे, 15 को NH है तो हमने फिर से CL सेलेक्ट किया। यहाँ पर 15 को छोड़ देंगे, फिर 16 हो गया, तो 16 से हमको कब तक लेना है, 16 से हमको मान लीजिए कि 17 तक मान लीजिए हमने ले लिया, तो हमारे पास टोटल लीव कितना हो गया, 1, 3, 2 और 2, 4 चार दिन का हमने लीव लिया, देख सकते हैं आप यहाँ पर, देख सकते हैं एक दिन का ये और दो दिन का ये, टोटल 4 दिन का लीव हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप, क्लिक हेयर टू प्रोवाइड डिटेल फॉर, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो है लीव को अटैच करने के लिए, अगर जब तक ये लीव आप नहीं करते हैं, इस पर क्लिक करके आप अटैच नहीं करते हैं, तब तक जो है आपका लीव जो है सबमिट नहीं होगा। तो देखिए हमने भी यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर दो डेट जो हैं अभी तक इसका डिटेल हमने नहीं भरा है। तो आपको बताया हम 13 तारीख यानी संडे को रेस्ट है, तो यहाँ पर वीकली रेस्ट अपना डाल देंगे। यहाँ पर 15 को NH है तो हमने हॉलीडे NH डाल दिया। NH डालने के बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, आप सभी देख सकते हैं कि वीकली रेस्ट है, और 15 को अब पूरी तरीके से जो है लीव ज्वाइंट हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है HQ लीविंग परमिशन रिक्वायर्ड, मतलब कि क्या आप हेडक्वार्टर छोड़ के जाना चाहते हैं, तो यस और नो, तो हाँ हमने हेडक्वार्टर छोड़ना है। यहाँ पर आपको दाहिने साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा गोइंग फॉर EX इंडियन लीव, मतलब अगर इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पर यस और नो करना है, तो हमें इंडिया में ही रहना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर डेट, यहाँ पर क्या करना है, गलती नहीं करना है, यहाँ पर पूरा डेट जानना है कब से कब तक लीव है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 तारीख से हमारा लीव स्टार्ट हुआ है, 17 को ख़त्म हो रहा है, तो हमने 12 तारीख से यहाँ पर लीव डाल देना है,
12 तारीख पे डाल दिया, कब तक है 17 तक है, मतलब हम 17 तारीख तक हेडक्वार्टर में नहीं रहेंगे। टोटल कितना हुआ 6 दिन, 4 दिन CL, 2 दिन, 1 दिन NH और 1 दिन रेस्ट, आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है आपको दिख जाएगा, यहाँ पर जो है लीव फॉर रीजन फॉर लीव दिखा रहा है, तो यहाँ पर लीव का रीज़न देना है कि आप किस पर्पज़ से जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लीव का रीज़न लिख लेना है, जो भी आपका रीज़न हो, गलती नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। गोइंग टू, मान लीजिए गोइंग टू हाउस होम लिख दिया हमने, हम घर को जा रहे हैं। एड्रेस भी अपना लिख देना है, एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ा अच्छा रीज़न लिखे, ठीक है, क्या वर्क के लिए जा रहे हैं वो भी लिख दे तो अच्छा है। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस हमने, यहाँ पर पूरा एड्रेस लिखना है, हमने चेकिंग के लिए केवल डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आप देखिएगा, यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो है यह देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन में अनिवार्य भी है। जैसे मान लीजिए अगर आपको, सपोज आपको PL लेना है, पेटेंटी लीव लेना है, चाहे कोई वर्क टाइम में चोट लग गया, बहुत सारे हैं, चाहे स्पेशल CL लेना है, उस समय आपको जो है यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में उसका प्रूफ देना होगा। तो प्रूफ देने के लिए आपको बताएं, यहाँ पर अपलोड कर लेना है फाइल को सेलेक्ट करके, और यहाँ पर अपलोड बटन पर क्लिक करके अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू, मतलब किसके पास एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो आप साफ साफ समझ लीजिए कि आप जिसके पास ऑफलाइन में लीव लेने जाते थे उसी के पास ये लीव फॉरवर्ड करना है, ठीक है, अपने इंचार्ज के पास, अपने SSC के पास। तो यहाँ से आप उसका HRMS, अगर ID उनका मालूम हो तो HRMS ID डाल सकते हैं, नहीं मालूम होते आप नाम भी डाल सकते हैं। तो नाम यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, बहुत सारे यहाँ पर नाम आ रहे हैं, जो भी आपके हों उन्हीं का नाम सेलेक्ट करें। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि यहाँ पर अगर उनका गलत आ रहा होगा, जैसे देख लीजिए वो तो अधिकारी का सर्च कर रहे होंगे लेकिन आ नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए आप ये चेक कर लीजिए कि यहाँ पर जैसे हमारा ACR है, बिजौड़ा डिवीज़न है, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, अगर यहाँ पर आपका गलत आ रहा है तो यहाँ से मोडिफाई सर्च रेंज पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं अगर जो भी आपका गलत हो, हमारा तो सही है, हमें चेंज नहीं करना है। उसके बाद फाइनली जो है यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट बटन पर क्लिक करना है, आपका एप्लीकेशन पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ लोगों का जो है यह क्वेश्चन है कि क्या हम लोग CL के साथ LAP ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, बहुत सारे लोग यह पूछ रहे थे, तो देखिए हम दिखा देते हैं आपको लाइव प्रूफ के माध्यम से कि आप LAP ले, और CR को लेकर भी क्वेश्चन है। तो देखिए CR डालने का कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है, और CR डाला भी नहीं जाता है, आप सभी जानते हैं कि CR जो है आप लीव के पहले ही ले सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर CR कैसे लिखें, तो CR जो है आप लीव के पहले, जब भी CR हो, रेस्ट या लीव के पहले लगा दीजिए, उसके बाद अपना लीव लगाइए तो CR ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब रही बात जो है यहाँ पर देख सकते हैं CL के साथ LAP की, तो CL हमने मान लीजिए कि 3 तारीख को 1 दिन का CL ले लिया, ठीक है, यहाँ पर 8 CL बैलेंस है, 3 के CL ले लिया, फिर है अनदर लीव ऐड करेंगे, लीव ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने मान लीजिए LAP किया, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ मैसेज आ रहा है लीव टाइप CL एंड LAP कैन नॉट बे इन कंटिन्यूशन, मतलब एक साथ कंटिन्यू लगातार नहीं ले सकते हैं, साफ साफ लिख रहा है, तो ये आपको डाउट क्लियर हो गया कि CL के साथ LAP नहीं ले सकते हैं। उसके बाद कुछ लोग PL के लिए पूछ रहे थे, तो PL का इसमें बहुत सारा आसान तरीका है, आप यहाँ पर देखिए पेटेंटी लीव क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आपको जो भी प्रूफ देना है कब से कब तक, तो देखिए ये जान लीजिए इसमें आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 15 दिन का, जैसे मान लीजिए आप हमको 3 तारीख से चाहिए तो डायरेक्ट ये 15 दिन काउंट कर देगा, देखिए 15 दिन अपना काउंट कर लिया, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है लीव ऐड भी नहीं होगा, टाइम ये भी डिलीट करना होगा। उसके बाद जो आपको हमने बता ही दिया हेडक्वार्टर छोड़ना है, तो सेम प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या सिक ले सकते हैं, तो सिक के लिए देखिए इसमें ऑप्शन तो आ रहा है, LHFP देख रहे हैं, लीव ऑन हाफ एवरेज पे, यहाँ पर देख सकते हैं दिखा रहा है, लेकिन कहने का मतलब है इसके लिए अभी क्लियरेंस नहीं है। हालांकि सिक जो है वो हॉस्पिटल में ही मिलता है, मेडिकल लीव जिसे बोलते हैं, हॉस्पिटल में ही मिलता है। अगर इस प्रकार की कोई अपडेट आती है कि खुद से भी ले सकते हैं तो हम आपको वीडियो बना के बता देंगे। तो कृपया आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।